राम गोपाल वर्मा हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बड़े बोलों के कारण, कभी टिफ विद बिग डाउन बिगीज, तो कभी अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म्स को लेकर। और अब की बार फिर से रामू सुर्खियों में आ गए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म नॉट अ लव स्टोरी को लेकर। वेल, ये फिल्म तो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का पार्ट रही है जब से शुरू हुई है, और अब फिर से इट हैड ग्रैब्ड द लाइमलाइट एक और नई कहानी को लेकर। जी हाँ, रिसेंटली रामू को अपनी इस फिल्म का एक सीन शूट करना था मुंबई के मलाड के एक मॉल में, बट वहाँ कैमरास अलाउड नहीं थे। रामू ने काफी कोशिश की कि उन्हें मॉल में शूटिंग करने दी जाए, बट उन्हें लौट आना पड़ा हार मानकर। बट रामू तो रामू है, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। तभी उनके कैमरामैन ने सजेस्ट किया कि फिल्म की शूटिंग हाई डिजिटल फोन के कैमरा में शूट की जाए। रामू झट से तैयार भी हो गए, और क्या था, रामू ने अपनी पूरी कास्ट को मॉल से बाहर रखा और सिर्फ माही और कैमरामैन को भेजा शूट करने के लिए, और मोबाइल में हुई इस सीन की शूटिंग। जी हाँ, तो इस तरह नया रिस्क लेकर रामू ने दिखा दिया कि उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। वेल, ये सीन तो बहुत अच्छे से शूट हो गया, और रामू के साथ साथ द फिल्म कास्ट इज आल्सो क्वाइट हैप्पी विद द शूट। बट इस सीन के साथ रामू फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी में ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने मॉल के नियम को तोड़ कर शूट किया है। अब जब मॉल वालों को ये पता चलेगा तो कहीं कोई नई कंट्रोवर्सी फिर से ना खड़ी हो जाए। वेल रामू, हम तो यही कहेंगे कि कंट्रोवर्सी को झेलना आप तो अच्छे से ही जानते हैं, इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन आप ढूंढ ही लेंगे।